नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का संस्कृत और आज का पाठ है चतुर्थ पाठ है मम परिवार। मम परिवार मतलब होता है मेरा परिवार, ठीक है। मम परिवार मतलब क्या होता है? मेरा परिवार। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं पाठ को। एकस्मिन् ग्रामे जगतपालो नाम एकः सज्जनो वसति स्म। तो पाठ कुछ ऐसा है कि एक गांव में जगतपाल नाम का, ठीक है, एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। एक गांव में क्या नाम का? जगतपाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। तस्य परिवारः सीमित परिवार अस्ति। उसका परिवार सीमित परिवार है, उसका जो परिवार है छोटा परिवार है, सीमित परिवार है। तस्य पत्नी कला अस्ति। उसकी पत्नी कला है। जो जगतपाल जी हैं उनकी पत्नी का नाम क्या है? कला है। हाँ चलिए, जगतपालः सप्तत्रिंशत् वर्षीयः। सप्तत्रिंशत् मतलब होता है 37, ठीक है। सप्तत्रिंशत् मतलब 37। तो जगतपाल जो हैं 37 वर्ष के हैं और कला द्वात्रिंशत् वर्षीया च स्तः। और कला जो हैं वो 32 वर्ष की हैं, ठीक है। जगतपाल जी हैं वो कितने वर्ष के हैं? 37 वर्ष के। और कला जो हैं उनकी जो पत्नी कला हैं वो हैं 32 वर्ष के, ठीक। जगतपालस्य हृदयम् अति उदारम्। कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरो विद्यते। जगतपाल जी का जो स्वभाव है, जगतपाल जी जो हैं हृदयम् अति उदारम्, मतलब वे स्वभाव से बहुत दयालु हैं, ठीक है। जगतपाल जी का जो हृदय है वो उदार है, दयालु हैं। और कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरो विद्यते। कला का स्वभाव तो बहुत ही मधुर है। जगतपाल जी हृदय से दयालु हैं और कला जो हैं वो बहुत ही मधुर हैं। कला का जो स्वभाव है बहुत ही मधुर है। तौ दंपति निवसतः। वे दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? रहते हैं। तयोः द्वे संतति स्तः। वो जो जगतपाल जी हैं और कला हैं उनके दो संतान हैं, उनके दो पुत्र पुत्रियां हैं। तो एकस्तनयः, एक पुत्र है, और एका तनया च एक पुत्री है। एक पुत्र, उनके दो संतान हैं। उनके कितने संतान हैं? दो संतान हैं। एक जो है पुत्र है और एक जो है पुत्री है, ठीक है। तनयस्य नाम सुरेशः। तनय का जो नाम है, उसके पुत्र का जो नाम है वो सुरेश है। और तनयाश्च नाम प्रतिभा। और तनय उनकी जो पुत्री है उनके नाम क्या है? प्रतिभा है। उनके बेटे का नाम सुरेश और उनके बेटी का नाम है प्रतिभा। सुरेशः एकादश वर्षीयः, प्रतिभा सप्तवर्षीया च। एकादश मतलब कितना होता है? 11। एकादश मतलब 11। तो उनके जो पुत्र हैं सुरेश वो कितने वर्ष के हैं? 11 वर्ष के। और प्रतिभा सप्तवर्षीया च, प्रतिभा 7 वर्ष की हैं। सुरेशः सप्तम कक्षायां पठति। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और प्रतिभा तृतीय कक्षायां च, प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। समझ में आ गया, आ रहा होगा पाठ। चलिए एक बार और ऐसे ही पढ़ते हैं कि एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। उसका परिवार सीमित परिवार है और उसकी पत्नी कला है। जगतपाल 37 वर्ष के और कला 32 वर्ष की हैं। जगतपाल का हृदय बहुत ही दयालु है और कला का स्वभाव बहुत ही मीठा है। वे दोनों पति पत्नी रहते हैं। उनकी दो संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम सुरेश और पुत्री का नाम प्रतिभा है। सुरेश 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है।
चलिए आगे कि आम्र निम्ब कादि वृक्षयः आच्छादितम् जगतपालस्य गृहमत्यंतम् रमणीयम् वर्तते। आम और नीम के वृक्षों से ढका हुआ, आम और नीम के वृक्षों से ढका हुआ जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर है। आम और नीम आदि वृक्षों से ढका हुआ जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर है। जगतपाल एक योग्य कुशल कृषक, जगतपाल एक योग्य और कुशल किसान हैं, कृषक हैं। सह सर्वदा कृषि कर्मणि व्यापृतः, वे हमेशा कृषि कार्य में लगे हुए। स्वकर्तव्यम पालयति, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सह परिश्रमम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तमन्नम शाकम फलम च उत्पादयति। वे परिश्रम करके स्वक्षेत्रे अपने खेत में पर्याप्तमन्नम पर्याप्त मात्रा में अन्न सब्जी और फल का उत्पादन करते हैं या पर्याप्त मात्रा में सब्जी और फल उगाते हैं। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनुः वर्तते, उनके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। सा दुग्धम ददाति, वह दूध देती है। आम और नीम आदि वृक्षों से ढका हुआ जगतपाल का घर बहुत ही सुंदर है और जगतपाल एक योग्य कुशल किसान हैं। वे हमेशा कृषि कार्य में लगे हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे परिश्रम करके अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में अनाज सब्जी और फल उगाते हैं। उनके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है, वह दूध देती है। आगे सुरेशः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टिप्रदम च भोजनम कुरुतः। सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद मतलब स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन करते हैं। तयोः आहारे शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते, उनके आहार में उनके भोजन में सब्जी और फल की अधिकता होती है। तौ भातृभगिन्यौ यथेक्षम दुग्धम पिबतः, वे दोनों भाई बहन इच्छा अनुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय, स्वच्छ कपड़े पहन करके प्रसन्न और स्वस्थ मन से तौ मातरम पितरम च प्रणम्य, वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके पठनाय स्वविद्यालयम प्रति गच्छतः, पढ़ने के लिए अपने विद्यालय की ओर जाते हैं। एक बार और पुनः देखते हैं कि सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और संतुलित स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित भोजन करते हैं। उनके आहार में सब्जी और फल की अधिकता होती है। वे दोनों भाई बहन इच्छा अनुसार दूध पीते हैं। स्वच्छ वस्त्र पहन करके स्वस्थ कपड़े पहन करके प्रसन्न और स्वस्थ मन से वे दोनों माता पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए अपने विद्यालय की ओर जाते हैं। कला एका स्वस्था आदर्श भूता च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ और आदर्श भूत गृहिणी हैं। पति जगतपालो अपि स्वपत्नीम कलाम बहु मन्यन्ते, पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानते हैं। अनेन कारणेन, जिस कारण से परस्पर स्नेह सौहार्दबद्ध अयम लघु परिवार एक आदर्श परिवार, जिसके कारण परस्पर स्नेह और प्रेम भाव से यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति, भोजन की वस्त्र की और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में लघु परिवार में उचित रूप से समुचित रूप से हो पाती है। लघु परिवारेण एव लघु परिवार में ही लघु परिवार से ही
समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुमर्हति। लघु परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा, ठीक है, हो सकता है। कला एक स्वस्थ और आदर्शभूत गृहिणी हैं। पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानते हैं, जिसके कारण से परस्पर स्नेह और प्रेम भाव से यह पर छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। भोजन, वस्त्र और घर की व्यवस्था लघु परिवार में ही, छोटे परिवार में ही समुचित रूप से हो पाती है। लघु परिवार से ही समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, ठीक है। आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी पाठों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।